स्टार्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल। माय नेम इज मनोरमा। फ्रेंड्स, आज ना हम प्लैनेट स्पार्क में जो जॉब अपडेट्स है ना, उसके बारे में बात करेंगे। गाइस, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे प्रोफाइल्स हैं जहां पर आप लोग काम कर सकते हो, और कुछ ऐसे जॉब मैं यहां पर शेयर कर रही हूं जहां पर आप लोगों को मोबाइल फोन के थ्रू में आप काम कर सकते हो, लैपटॉप या कंप्यूटर की जरूरत नहीं पड़ने वाली। एंड प्लैनेट स्पार्क डेफिनेटली गुड कंपनी है। डेफिनेटली सैलरी का रेंज बहुत हाई अगर ना अभी हो, बट फिर भी एज अ फ्रेशर्स के लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है यहाँ पर। ओके, तो कुछ प्रोफाइल्स जो है वो सेल्स से रिलेटेड है, कुछ है जो नॉन सेल्स से रिलेटेड है, और कुछ है जो टीचिंग से रिलेटेड है। अब आप लोगों को जिसमें इंटरेस्ट है आप उस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हो, एंड एक्टिवली ये हायरिंग हो रही है। ओके, तो तीन तरह के प्रोफाइल्स है, जैसे मैंने कहा आप लोगों को, एक बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के लिए है, कुछ जो है वो टेलीकॉलिंग से रिलेटेड है। एक्चुअल में कॉलिंग से रिलेटेड है, यहाँ पर तीन डिफरेंट तरह के प्रोफाइल है, भले ही नाम थोड़ा सा चेंज है। टेलीकॉलिंग में ही गाइस यहाँ पर तीन अलग अलग तरह के प्रोफाइल्स यहाँ पर निकले हुए हैं, और हर किसी के लिए थोड़ा सा आप क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएट भी हो तो भी चल सकता है, और मोबाइल के थ्रू में आप ये काम कर सकते हो। एंड द बेस्ट थिंग इज कि आप लोगों को यहाँ पर काम करने के लिए एज अ फ्रेशर आप यहाँ पर काम कर सकते हो, एक्सपीरियंस की कोई भी यहाँ पर डिमांड नहीं की गई। ठीक है, कौन से प्रोफाइल्स के लिए कैसे अप्लाई करना है और कौन से प्रोफाइल्स आप लोगों के लिए सही, ये सब कुछ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। बट उससे पहले मैं आप लोगों के साथ में कुछ और भी चीज़ें जो शेयर करना चाहूँगी। डू यू नो गाइज, अकॉर्डिंग टू द CMI इंडिया में 5.3 करोड़ का अनएम्प्लॉयमेंट है, एंड आउट ऑफ दैट 1.7 जो है वो वुमन अनएम्प्लॉयमेंट है। अब वुमन अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, तो इसके कुछ जो रीजंस मैंने भी फेस किए, आप में से बहुत सारे लोगों ने भी फेस किए, जैसे कि हमारा फैमिली प्रॉब्लम हो गया, या फिर बच्चों को बढ़ाना है, हमारे फैमिली की तरफ ध्यान देना है, उनकी केयर करनी है, या फिर करियर से ब्रेक लेना है, या फिर कभी कभी हमारे पास स्किल्स होते हुए भी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं होती है, या कभी कभी मेल फीमेल में जो बायस किया जाता है वो भी रीजन हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस है। अगर मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को दूं कि ठीक है हमें करियर का गैप आ गया है, या फिर भी अगर हमें कुछ काम करना है, तो मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं, शायद आप इनसे इंस्पायर होकर आप भी कुछ काम करने लगोगे। तो जैसे स्वाति रानी, अगर मैं इनके बारे में बात करूं, तो इन्होंने पहले सेल्स का जो जॉब है वो एक्सप्लोर किया, लेकिन उसके बाद में उनको लगा कि नहीं, मुझे HR में इंटरेस्ट है। दोनों भी प्रोफाइल्स के जॉब लोगों को इनको अवेलेबल थी, बट शी चूज द HR जॉब। और एक एग्जांपल देने की कोशिश करूं तो निशा गुप्ता, इन्होंने 10 साल का करियर गैप रखा, और उसके ब्रेक के बाद में उन्होंने अपना जो करियर है वो सेल्स एग्जीक्यूटिव में फिर से स्टार्ट किया, एज अ बिजनेस डेवलपमेंट में स्टार्ट किया। ओके, तो मेरे कहने का मुद्दा बस यही है, इन दोनों ने जो फिर से जॉब लिया है वो है हमारे रीलेवल की तरफ से। रीलेवल में उन्होंने एक सीधा साधा टेस्ट दिया जहाँ पर इन लोगों का करियर गैप नहीं देखा गया, या ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन से लोकेशन से आई है, उनका बैकग्राउंड में क्या हुआ था, ये कुछ नहीं देखा गया। बट जो उनका री लेवल का स्कोर था उनके आधार पर ही इन लोगों को जॉब मिली है। तो ये स्पेसिफिकली आज मैं मेरे वुमन एम्पावरमेंट के लिए बात कर रही हूँ, जो वुमन्स दोज हु हैव टुक द ब्रेक बाय द करियर, और जिन लोगों को जॉब की तलाश है फिलहाल के लिए, और दे एक्चुअली वांट अ करियर ग्रोथ, तो वो लोग क्या कर सकते हो। तो री लेवल का जो सिंपल सा टेस्ट है, सिंपल सा नहीं कहूँगी, डेफिनेटली कुछ भी हो हमें सिंपल मतलब इजी कोई कुछ नहीं मिलता है, हार्डवर्क करना पड़ेगा हमें हर जगह पर। बस इसका एक बेनिफिट ये है कि आप जो कुछ भी करोगे वो वर्क फ्रॉम होम में करोगे, आप घर पर बैठकर इसकी पढ़ाई करोगे री लेवल की, जहाँ पर री लेवल का एक टेस्ट देने के बाद में उनके स्कोर के आधार पर आप लोगों को जो है यहाँ पर जॉब मिलने वाली है। तो मेरे ख्याल से इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी दोज हु वांट अ करियर इन बिजनेस डेवलपमेंट। और ऐसे नहीं है गाइज कि बस हमारे एक ही तरह के यहाँ पर जॉब अवेलेबल है, तो नियर अबाउट 18 कैटेगरीज अवेलेबल है जहाँ पर आप आपके हिसाब से, आपके चॉइस के हिसाब से, आपके स्किल्स के अनुसार यहाँ पर आपका जॉब जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जिसमें अभी जो 5 नए इंक्लूडेड हो गए, जैसे ग्राफिक डिजाइन हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट असिस्टेंट, तो ऐसे बहुत सारे हैं। और पहले वाले तो आप सब जानते हो, जैसे कि HR का हो गया, प्रोडक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड हो गया, या बिजनेस डेवलपमेंट से हो गया, आप लोगों का IT करियर से रिलेटेड हो गया, नॉन IT करियर से रिलेटेड हो गया, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर टेस्ट अवेलेबल है। आप लोगों को एक स्लॉट बुक करना है, दिन बुक करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्ट देनी है, एक बार फेल हो गए तो आप फिर से रिपीट कर सकते हो। ओके, और ये टेस्ट के स्कोर के आधार पर आप री लेवल का आपका प्रोफाइल बन जाएगा, और उसके आधार पर आपको यहाँ पर जॉब जो है वो यहाँ पर मिलेगी। एंड डोंट वरी वुमन्स, दोज माई वुमन सब्सक्राइबर्स, आप लोगों को वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी भी बहुत सारी है, आजकल हर एक कंपनी ये प्रोवाइड कर रही है, सो डोंट यू वरी अबाउट दैट, आप एक बार टेस्ट तो देख के देखो। ओके, एंड लिंक जो है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी, आप एक बार जरूर ट्राई कर लेना। बात करती हूँ प्लैनेट स्पार्क के बारे में। प्लैनेट स्पार्क पर अगर जो तीन प्रोफाइल्स जिनके बारे में मैं बात करूँ, जहाँ पर आपको मोबाइल के थ्रू में काम कर सकते हो, तो वो तीन प्रोफाइल्स है। एक तो है कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव का, जहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, तो कस्टमर के क्वेरी सॉल्व करनी है, नॉन सेल्स वाला ये प्रोफाइल है। ओके, तो
जो कोई भी इनके पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं या जो पेरेंट्स होते हैं, जो चिल्ड्रन जिनके जिनको यहाँ पर कोर्स करना है, तो उनके जो कोई भी डाउट्स होते हैं, टाइमिंग का हो गया या फिर उनमें पेरेंट्स को अगर टीचर से कोई डाउट होता है, तो वो सारे जो क्वेरीज है वो आप लोगों को थ्रू द फोन कॉल यहाँ पर सॉर्ट आउट करने हैं, ठीक है। जो सेकंड प्रोफाइल यहाँ पर अवेलेबल है वो है टेलीसेल्स एग्जीक्यूटिव का, जिसके लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। पहले वाले प्रोफाइल में एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, टेलीसेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है, 2 साल का मेरे ख्याल से कुछ तो एक्सपीरियंस है, एंड इट्स ऑल्सो रिलेटेड टू द टेलीकॉलिंग, ओके। और जो थर्ड जो प्रोफाइल है वो है सेल्स टेलीकॉलिंग वाला। अब ये इसमें सेल्स आ जाता है, बट टारगेट बेस्ड वाला ये सेल्स नहीं है। आप लोगों को क्या करना होता है, तो थ्रू द फोन कॉल आप लोगों को इनिशिएट जो कंपनी आप लोगों को प्रोवाइड करेगी उनको आपको कॉल करना है, उनको इनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में बात करनी है। तीनों प्रोफाइल्स के लिए आप लोगों को कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश प्लस हिंदी बहुत अच्छा होना चाहिए, एंड ऐसा लिखा नहीं है कहीं पर भी कि ग्रेजुएशन मैंडेटरी रहेगा, बट आई थिंक अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है या आपने पास आउट कर लिया है तो आप इस प्रोफाइल के लिए जरूर अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है गाइस, आप लोगों को हर एक जॉब डिस्क्रिप्शन के नीचे आप लोगों को एक फॉर्म दिख जाएगा, उस फॉर्म को आपको सबमिट करना है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोफाइल्स यहाँ पर इंग्लिश ट्यूटर की वैकेंसी है, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव वाली वैकेंसी है, आईटी प्रोफाइल्स के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है, और जो कुछ वैकेंसीज में जो है वो डे टाइम के लिए, कुछ वैकेंसीज जो है वो यूएस शिफ्ट के लिए, सो दोज हु कांट वर्क इन अ डे शिफ्ट दे कैन मैनेज इन नाइट शिफ्ट ऑल्सो। तो ओवरऑल ये सारे प्रोफाइल्स के लिए जो है सैलरी का रेंज नियर अबाउट 25,000 से लेकर 35,000 आराम से आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। फुल टाइम का जॉब है, पार्ट टाइम का नहीं है, लेकिन ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों कम्युनिकेशन स्किल अच्छे होने चाहिए, एंड डोंट वरी यू विल नीड नॉट एनी कंप्यूटर एंड लैपटॉप एंड ब्रॉडबैंड हियर, यू कैन वर्क फ्रॉम द मोबाइल ओनली, ओके। सो प्लीज, और मेरी फिर से एक बार रिक्वेस्ट है गाइस, दोज हु वांट टू रिस्टार्ट देयर करियर यू कैन ट्राई ऑन द ली लेवल, इट्स द बेस्ट प्लेटफॉर्म, ओके। सो यस, दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो, वी विल गेट इन टच इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।